हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि फिजिकली उन्हें आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगता है, वो आपके लुक्स के बारे में क्या सोचते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर किसी का क्रश है आप पे और आप जानते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट आपको स्टिल कुछ खुल के बता नहीं रहा एंड आप जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या अट्रैक्ट करता है आपके बारे में। ऑल्सो ये रीडिंग आपके लिए तब भी है जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि आपको कह दो कुछ और रहा है और बॉडी लैंग्वेज से कुछ और नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपको पूरा ट्रुथ नहीं बता रहे और कुछ ऐसा है जो अभी भी ये छुपा के रखना चाहते हैं। सो मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगी कि इस पर्सन को भी फिजिकली आपके बारे में क्या अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एक्वेरियस। Messages for Aquarius. Five of Scepters, Eight of Scepters, Four of Knives, Lord of Knives, and Ten of Scepters. So, Five of Scepters का कार्ड है। ये वो पर्सन है जो आपकी फियर्सनेस को पसंद करता है, यानी आपका वाइल्ड साइड पसंद है। ओके, जब आप एक पर्टिकुलर स्टाइल में ड्रेसअप करते हैं या मेकअप करते हैं, आप इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपके फीचर्स को उभारती है, ओके, या आपके आईज के बारे में हो सकता है। इन्हें लगता है कि आपकी आईज के थ्रू आपकी सोल को देखा जा सकता है। आपकी आईज में इतनी डेप्थ है, इतना लव है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप जिस तरीके से अपना आई मेकअप करते हैं या जिस तरीके से आप उनकी तरफ देखते हैं, उन्हें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ऑल्सो ये रीडिंग वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट आपके बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, जो डोमिनेंस दिखाई देता है, इस पर्सन को बहुत पसंद है। ओके, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो एटीट्यूड दिखाई देता है वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। लाइक आप केयर फ्री हैं, आप अपने मन की करते हैं, आपको परवाह नहीं कि कल क्या होगा, आपको जो सही लगता है आप उन्हें चूज करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। ये रॉ साइड, ये वाइल्ड साइड उन्हें आपका बहुत पसंद है। ऑल्सो एट ऑफ सेप्टर्स है यहाँ पे, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फियर्स हैं। ओके, आप अपने प्यार को एफर्टलेसली जता सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एफर्टलेसली जता सकते हैं, सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से, सिर्फ अपने आइडियाज से। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, हालांकि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कि सोचते रहें। अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करना जानते हैं और ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। ओके, ऑल्सो फोर ऑफ नाइव्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप एक एंजल है। सो एक तरीके का यूनिक कॉम्बिनेशन है आपके अंदर। एक तरफ तो आप ये वाइल्ड बीस्ट हैं जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो कि बहुत फियर्स है, जो कि बहुत रॉ है, जो कि बहुत सेडक्टिव है, एंड देन एट द सेम टाइम आप ये एंजल भी हैं। सो आपके बारे में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो इस पर्सन को बहुत पसंद है, या आपकी स्माइल हो सकती है। आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत पसंद है। यह लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है दुनिया में उनके लिए। ये पर्सन ये महसूस करता है कि आपकी स्माइल आपके एंजेलिक साइड को शो करती है। इनफैक्ट आप बिल्कुल किसी एंजल की तरह लगते हैं उन्हें जब आप स्माइल करते हैं। सो कुछ है आपके स्माइल के बारे में जो इन्हें बहुत परफेक्ट लगता है। ओके, एंड इन्हें एकदम से काम कर देता है। जब आप स्माइल करते हैं तो बहुत इनोसेंट लगते हैं, या चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है वो आपके अंदर नजर आती है, और ये पर्सन उसे देखकर कंफर्ट महसूस करता है। उन्हें लगता है कि वो सही जगह पे सही पर्सन के साथ हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है आपके अंदर, ये इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता है। एक तरफ तो आप रॉ एंड वाइल्ड है और दूसरी तरफ आप बहुत स्वीट और एंजेलिक भी। सो ये पर्सन इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकता, एक पल भी ये आपको नहीं भूलते। आपके लुक्स को देखना इस पर्सन का फेवरेट काम है आजकल। ओके, सो मे बी इन्होंने आपकी बहुत सारी पिक्चर्स सेव कर रखी है अपने मोबाइल में, और
ऐसा लगता है कि ज्यादातर टाइम इनका सिर्फ आपको देखते ही बीतता है। ओके, लॉर्ड ऑफ नाइव्स का कार्ड है तो ये पर्सन चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप उनके क्लोज आए, बट वो ये भी जानते हैं कि पेशेंस तो उन्हें रखना ही पड़ेगा और इस रिलेशनशिप में आपको वो स्पेस देना पड़ेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए वैसा ही फील करते हो जैसा कि वो आपके लिए। कुछ लोग जल्दी फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं और कुछ लोगों को वक्त लगता है। इसीलिए पर्सन वेट कर रहा है और उम्मीद करता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे अगर वो पेशेंस रखेंगे, अगर वो समझदारी दिखाएंगे। तो ये जो ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, ये जो ब्यूटीफुल अपीयरेंस है, ये उनकी नज़रों के सामने हमेशा रहेगा। यही ये पर्सन आजकल मांगता है विशेस में। ओके, सो 10 ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को एक और चीज़ आपके बारे में फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगती है, वो ये कि आप काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। इन सम वे इस पर्सन को लगता है कि आप जानते हैं कि आपको किस चीज को कैसे कैरी करना है। ओके, कोई चीज आप पे बर्डन नहीं है, कोई चीज आपका जो ऑरा है उसे खराब नहीं कर सकती। ओके, मैं बात कर रही हूँ आप चाहे किसी भी तरीके की ड्रेस पहने, किसी भी तरीके का मेकअप करें, हर चीज को आप कैरी कर ही लेते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर चीज ऐसी होती है जो आप पे इतनी अच्छी लगती है कि फिर और कुछ आपके सामने अच्छा ही नहीं लगता। बट इस पर्सन को यह भी देख के बहुत हैरानी होती है कि चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, सिंपल से सिंपल क्लोथ क्यों ना हो, चाहे आपने मेकअप किया हो ना किया हो, चाहे आपने अपने हेयर ठीक से कॉम्ब किए हो या ना किए हो, आप अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये इस पर्सन को ये आइडिया देता है कि वाकई में आप ब्यूटीफुल पर्सन है और इसके लिए आपको कोई एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, आपकी पर्सनालिटी को कोई चीज सप्रेस नहीं कर सकती और वो पर्सनालिटी जो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं। यही ये पर्सन फील करता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 8 ऑफ ग्रेल्स, 6 ऑफ ग्रेल्स, 2 ऑफ सेप्टर्स, 5 ऑफ नाइव्स एंड 6 ऑफ ग्रेल्स। आई थिंक ये पर्सन उन लोगों में से है जो जब सामने होता है तो ज्यादा कुछ किया नहीं पाता, हालांकि ये हर चीज नोटिस करते हैं। जब भी आप इनसे मिलते हैं तो ये आपके बारे में हर चीज नोटिस करते हैं और ये आपको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब आप उनके सामने हो तो वो आपको देख सके, बट ऑब्वियसली वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते, वो आपको स्टेयर नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि ये इनअप्रोप्रिएट है और कभी कभी उन्हें लगता है कि उन्हें इनफ नहीं मिल रहा आपके लुक्स का या इनफ वो आपको नहीं देख पा रहे। बट एनीवेज ये पर्सन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि 8 ऑफ ग्रेल्स के साथ लगता है जैसे कि इनके अंदर वैल्यूज हैं। ओके, ये क्राउन इन्होंने पहना हुआ है, ये समझदार है, इन्हें बाउंड्रीज का मतलब पता है, ये जानते हैं कि क्या ओके है और क्या नहीं। इसलिए ये पर्सन आपको डायरेक्टली स्टेयर करना अवॉइड करता है। 6 ऑफ नाइव्स के साथ ये कोई बहुत ही शर्मीला इंसान है। ओके, इनकी फीलिंग्स इनके मन से बाहर आए वो बहुत मुश्किल है। 2 ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है, एडमायर कर रहा है। ऑल्सो 5 ऑफ नाइव्स है तो इस पर्सन को लगता है कि आप परफेक्ट हैं उनके लिए। ओके, बट देन क्या वो आपके लिए परफेक्ट है, ये सवाल उनके मन में जरूर आता है। जब भी वो आप दोनों को फिजिकली कंपेयर करते हैं उन्हें लगता है कि वो आपके जितना गॉर्जियस नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है।
एम रामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक जर्नी है जो अभी शुरू हुई है, और अभी ये पर्सन थोड़ा साइलेंट रह सकता है, बट अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। जो भी साइन आप देख रहे हैं वो कोई मैसेज आपको दे रहे हैं, और जो भी आपको जानना है उसका जवाब आपको मिलेगा आपके ही इंट्यूशन के थ्रू और यूनिवर्स के साइंस के थ्रू। ओके, तो यह रीडिंग इस बारे में कि वो आपके लुक्स के बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।